नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी आर जी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ युवाओं की जो एक बहुत ही अहम समस्या है। जैसे युवा, आजकल के युवा जो है बहुत ही ज्यादा मोबाइल का उपयोग करते हैं और अपने जीएफ से बात करते करते उनको चिपचिपा पानी सा आने लगता है, धात कमजोर हो जाती है और धात पानी की तरह पतली हो जाती। इसको आपको किस प्रकार से बिल्कुल गाढ़ा करना है, जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत ही छोटा सा नुस्खा और फ्री का नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है और मेरे दोस्तों सभी के पास तो गांधी जी होते नहीं हैं, तो इसलिए आपको मैं ऐसी दवा बताऊंगा कि जो बिना गांधी जी के उपयोग से आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा और आप पूर्ण रूप से आपको आराम मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको लेना है बरगद। आप बरगद को तो जानते ही होंगे, तो बरगद की जो ताजा ताजा पत्तियां हैं उसको आपको लेनी है। मान के चलो आपको, आपने 200 ग्राम उसकी ताजा ताजा पत्तियां ले ली। और आप गुलर तो जानते ही होंगे, गुलर गांव देहातों में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बरगद के भी बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो आपको 200 ग्राम बरगद की पत्ती ताजा ताजा लेनी है और 200 ग्राम गुलर के पेड़ की छाल, गुलर के दरख्त की छाल को महीन सुखो लेना है और उसके बाद महीन सा पीस लेंगे आप। और जब आप महीन सा पीस लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको करना ये है कि मान के चलो 400 ग्राम हो गया और उसके बाद आपको उसमें 400 ग्राम मटेरियल में आपको 200 ग्राम मिश्री मिला देनी है। क्या मिलाना है आपको, 200 ग्राम मिश्री मिला देनी है। और इसको बहुत अच्छा चूर्ण बन जाएगा जब मिलाने के बाद। तो आपको क्या करना है कि आपको 6-6 ग्राम, जी हाँ दोस्तों, आपको 6-6 ग्राम सुबह और शाम गाय के दूध के साथ इसका सेवन करना है। और आप कहेंगे गाय का दूध नहीं मिले तो फिर किस चीज से सेवन करें, तो दोस्तों जब गाय का दूध ना मिले तो भैंस का दूध भी लिया जा सकता है। और जब भैंस का दूध ना मिले तो फिर अपना पानी जिंदाबाद, आपको पानी से इसका उपयोग करना है। और 6-6 ग्राम सुबह और शाम। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूंगी, आपको कब्ज यानी कि कब्ज न रहे पेट में। अगर आपको कब्ज रहता है तो उस स्थिति में आपको कब्ज का कोई भी चूर्ण इस्तेमाल कर लेना है। तो बहुत सारे जैसे कब्जीना या हर बहरा ओला का चूर्ण लेकर के गुनगुने पानी से आपको शाम को सोते वक्त ले लेना है और उसको खा लेना है। दोस्तों ये योग आपको केवल और केवल मात्र, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 40 दिन इसका उपयोग करें और आपको फायदा किन किन चीजों में मिलेगा ये भी आप समझ लीजिएगा। और आपको इसको बिल्कुल पतली धात हो गई, पानी की तरीके धात हो गई, इसमें आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों देखते रहे ZRFC यूट्यूब चैनल, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है।